Hi students, I am Shivani Sharma and I am welcoming all of you on the incredible platform of the HindGuru Academy. And thank you so much for your comments. जो आपने वीडियो पे कॉमेंट्स करे, I personally like that comment. And thank you so much for your appreciation. As you know that हमने अपनी लास्ट क्लास में अपना फाइलम पॉरीफेरा फिनिश करा था एंड मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा हम दोनों फाइलम्स अपनी कंप्लीट करने वाले हैं आज. स्टार्ट करते हैं हमारी फाइलम सीलेंट्रेटा से. सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी होता है. वही हमने बोला था ना कि हम बायो में वर्ड्स मीनिंग देखेंगे कि हम सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा क्यों बोल रहे हैं. अगर इसका दूसरा नाम निडेरिया है तो वाई वी कॉल इट्स निडेरिया. तो देखो, सीलेंट्रेटा को जो नेम सीलेंट्रेटा है वो इसलिए बोला क्योंकि इसके पास ना बच्चों एक सीलेंट्रॉन कैविटी होती है. याद करो फाइलम पॉरीफेरा में हमने वहाँ पर एक स्पॉन्जोसील कैविटी देखी थी ना, विच इज़ लाइन बाय योर क्वानोडर्म. आई होप तुम्हें याद होगी. तो देखो, जो ये तुम्हें कैविटी दिख रही है ना, ये क्या होती है, तुम्हारी सीलेंट्रॉन कैविटी होती है. इसलिए इस फाइलम का नाम क्या पड़ा, सीलेंट्रेटा, बिकॉज इट्स हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज़ योर सीलेंट्रॉन. और निडेरिया हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसके पास ना नीडोसाइट सेल्स होते हैं. देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इसके पास ये नीडोसाइट सेल्स होते हैं, ये वाला नीडोसाइट सेल होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, निडेरिया. अब तुम्हें पता चल गया सीलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा इस फाइलम का और इसे निडेरिया क्यों बोलते हैं. सीलेंट्रेटा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पास क्या है, सीलेंट्रॉन कैविटी विच इज़ योर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. और निडेरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, नीडोसाइट सेल्स होते हैं. हम आगे आगे पढ़ेंगे कि नीडोसाइट सेल क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, डोंट वरी अबाउट इट. तो वही हम अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे, जो हम सीक्वेंस करते आ रहे हैं वैसे ही सीक्वेंस में जाना है. उससे बियॉन्ड एक भी सीक्वेंस में आपको इधर उधर शफल नहीं होना है, क्योंकि अगर एक बार रास्ता भटके तो गड़बड़ हो जानी है. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे हैबिट और हैबिटेट. फिर से हम इनकी हैबिट देखेंगे, इनकी आदतें कैसे हैं. हैबिटेट मतलब रहते कहाँ पर है. दे कैन बी सॉलिट्री. सॉलिट्री का मतलब क्या होता है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं. इंट्रोवर्ट होता है ना यार, इंट्रोवर्ट होता है ना, जो अकेले रहना पसंद करते हैं. अब उन एक्सट्रोवर्ट के बीच में बिठा दो, कैसे सहमे सहमे से हो जाते हैं बेचारे. ऐसे ही हैं सॉलिट्री हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं. एंड कॉलोनियल, समटाइम्स यार लाइक कॉलोनियल, कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं. सिजाइल होते हैं, सिजाइल मैंने आपको लास्ट फाइल में बताया था. सिजाइल कौन होते हैं, जो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं और जो मतलब मूव नहीं कर सकते हैं. और दे आर फ्री स्विमिंग. फ्री स्विमिंग मतलब फ्री स्विमर्स होते हैं, जो वाटर फ्री स्विमर्स देखो कौन होते हैं बेटा, जो वाटर करंट के साथ फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री स्विमर्स. ठीक है, ये कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे और मोस्टली कैसे होंगे, मराइन होंगे. क्लियर. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तुम्हें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन टिश्यू इन विच फाइलम, दैट इज योर सीलेंट्रेटा. जर्म लेयर कैसी होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है. दे हैव लाइक अ टू जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. थर्ड लेयर भी थी इनके पास, विच इज योर मेसोग्लिया, बट वो कैसी थी, जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर थी और नॉन सेलुलर थी. सीलोम कैसा होता है, असीलोमेट होता है. क्यों है असीलोमेट, क्योंकि इनके पास मेसोडर्म है ही नहीं और मेसोडर्म ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना बॉडी कैविटी बनाने के लिए, इसलिए असीलोमेट है. बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक, याद आया ब्लाइंड सेक क्या होता है, जिनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है वही ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होगी सब चीज़ों की एंट्री के लिए और वही ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होगी सब चीज़ों की एग्जिट के लिए. देखो ये हाइड्रा का डायग्राम दिख रहा है, ये ओपनिंग दिख रही है तुमको, इसी ओपनिंग से सारी चीज़ें अंदर आनी है, इसी चीज़ों से सारी चीज़ें, इसी ओपनिंग से सारी चीज़ें बाहर जानी है. ये कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज़ कॉल्ड सीलेंट्रॉन कैविटी. इससे इस फाइलम का नाम क्या पड़ा था, सीलेंट्रेटा. यहाँ पर देखो लिखी हुई भी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. और यहाँ पर इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम्स. हाइपोस्टोम्स कैसे प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है. कैसे प्रेजेंट है हाइपोस्टोम्स, एंटीरियरली. ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि जो ओपनिंग है कैसे होती है, एंटीरियरली प्रेजेंट होती है. क्या बोलते हैं इसको, हाइपोस्टोम्स बोलते हैं. क्लियर. सिमेट्री कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इसकी. सेगमेंटेशन ऑब्वियसली अब एब्सेंट है ऐसे, क्योंकि सेगमेंटेशन किस में थी, तीन फाइलम थी ना तुम्हारी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. दे आर सेगमेंटेड, जिसमें हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा था. नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, क्योंकि सबसे पहले नोटोकॉर्ड कहाँ, किस फाइलम में देखी गई थी तुम्हारी, कॉर्डेटा में. फिर नेक्स्ट है, देखो हम ना अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक फॉर्म होती है इनकी पॉलीफॉर्म और दूसरी होती है इनकी मेड्यूसा फॉर्म. जो ये तुम्हें दिख रही है ना पोल जैसी स्ट्रक्चर, ये कैसी है, पॉलीफॉर्म है. और जो ये छत्ते जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना अम्ब्रेला लाइक, ये कैसी स्ट्रक्चर है तुम्हारी, मेड्यूसा लाइक स्ट्रक्चर है. तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है इनकी पॉलीफ और एक है इनकी मेड्यूसा.
देखो स्ट्रक्चर से अगर मैं तुम्हें रिसेंबल करके बताऊं तो पॉलिप कैसा हो गया, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हुई, दिख रहा है ना तुम्हें पोल जैसी स्ट्रक्चर, पोल कैसी है सिलेंड्रिकल लाइक है, और फिर तुम्हें ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है मेड्यूसा की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना पॉलिप कैसा हो गया, एक होता है तुम्हारा सिलेंड्रिकल और एक मेड्यूसा कैसा हो गया तुम्हारा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो जो पोल जैसी स्ट्रक्चर है उसको तो मूवमेंट की नीड है ही नहीं ना, अब देखो पोल एक जगह से स्टिक ही रहता है ना, चिपका हुआ रहता है, तो ये कैसे हो गए मूवमेंट नहीं करेंगे, ये अपने पोल के साथ अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेंगे, तो ये कैसे होंगे, सिजाइल होंगे या फ्री स्विमर्स होंगे, ऑब्वियसली दे आर सिजाइल ना, क्योंकि ये तो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहने वाले हैं, और जो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करेगी मूव करेगी, ये फ्री स्विमर्स होंगे जो अपने वाटर करंट के साथ ना बेटा फ्लो करते हैं, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा, ये सिजाइल हो गया तुम्हारा, और ये कैसे हो गए फ्री स्विमर्स हो गए। एक बात और, एक नाम होता है स्टैटोसिस्ट, क्या होता है एक स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ये सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैटोसिस्ट क्या होता है बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी को बैलेंस करके रखती है। अब खुद ही दिमाग लगाओ, जिसको अटैच रहेगा जो सिजाइल है क्या उसको स्टैटोसिस्ट की नीड है, जो भाई चिपका ही रहेगा जिसको मूव ही नहीं करना उसको बैलेंसिंग की भी नीड क्या है, नहीं ना, तो इसके पास स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, जो वाटर करंट के साथ मूव कर रहा है भाई उसको तो अपने बैलेंसिंग की नीड है ना, तो इसके पास स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होगा मेड्यूसा के पास, और पॉलिप के पास स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम लिख देंगे स्टैटोसिस्ट, ऐसे कांटा लगा देंगे है ही नहीं, और यहाँ पर स्टैटोसिस्ट ऑब्वियसली होगा क्योंकि इनको क्या करना है वाटर करंट के साथ मूव करेंगे तो अपनी बॉडी को इन्हें बैलेंस करने की नीड है ना। फिर एक होता है कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो पॉलिप वाला होता है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है, और जो तुम्हारा मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ये कैसे हो गए असेक्सुअल और ये कैसे हो गए तुम्हारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर से जो मैंने तुम्हें बताया कि एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस चैप्टर, आपका एग्जाम्पल क्या हो गया एडेंशिया और हाइड्रा, एनसीआरटी के एग्जाम्पल्स है भाई, मुंह पे टिप्स पे होने चाहिए। पॉलीफॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं इस फाइलम के जो कैरेक्टर वो है ऑर्गेनिज्म वो कौन से है तुम्हारे एडेंशिया और हाइड्रा, और मेड्यूसा कौन सा है ऑरेलिया, एंड अब एक है धमाका, ये ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो तुम्हारे पॉलिप में भी एग्जिस्ट करेंगे और जो तुम्हारे मेड्यूसा में भी एग्जिस्ट करेंगे, उस टर्म को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो पॉलिप टू मेड्यूसा कैसे रिप्रोड्यूस करे असेक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करे सेक्सुअली, तो जो ऐसी साइकिल को फॉलो करते हैं उस साइकिल को आप क्या बोलते हो मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे पॉलिप में भी और मेड्यूसा में भी, अगर ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा है तो ये पॉलिप टू मेड्यूसा कैसे ओरिजिनेट करेंगे तुम्हारे असेक्सुअली, और मेड्यूसा टू पॉलिप कैसे करेंगे तुम्हारा सेक्सुअली, तो ये क्या हो गया साइकिल फॉलो कर रहे हैं ना पॉलिप टू मेड्यूसा असेक्सुअली मेड्यूसा टू पॉलिप सेक्सुअली, तो ये कैसी साइकिल हो रही है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो इस साइकिल को कैरी ऑन करते हैं जो पॉलिप टू मेड्यूसा असेक्सुअली है मेड्यूसा टू पॉलिप सेक्सुअली है, उस साइकिल को क्या बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन बेटा मेटास्टेसिस और मेटामेरिज्म, तुम्हें पता है मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म में सेगमेंटेशन की बात थी, अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन थी, और मेटास्टेसिस क्या होता है ये कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है, जिसमें सेल क्या करने लगता है मैडली डिवाइड करने लगता है, और मेटाजेनेसिस क्या है मेटाजेनेसिस वो होता है जो पॉलिप टू मेड्यूसा कैसे ओरिजिनेट करे असेक्सुअली एंड देन मेड्यूसा टू पॉलिप कैसे ओरिजिनेट करे सेक्सुअली, जो दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्लियर। इसके एग्जाम्पल है आपका फाइजेलिया और ओबिलिया, ये आपको इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के प्रोबेबली बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना, क्लियर। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दे हैव अ नीडोब्लास्ट नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट क्या होते हैं दे आर अ स्ट्रिंगिंग सेल्स, जैसे बच्चों के निकनेम होते हैं ना, अब मेरा है तो मेरा भी निकनेम है, तो तुम लोगों का भी कोई ना कोई निकनेम होगा घर में बोलने के लिए, तो जो स्ट्रिंगिंग सेल होते हैं उसके बहुत सारे नाम होते हैं, या तो आप उसे नीडोब्लास्ट बोल दो या नीडोसाइट बोल दो, ये आपका क्या है पूरा ये आपका स्ट्रिंगिंग सेल है। स्ट्रिंगिंग सेल क्या होते हैं इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इनका टेंटिकल्स होता है ना उसमें स्ट्रिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है, स्ट्रिंगिंग सेल की शेप ऐसी होती है जिसको आप नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट भी बोलते हो, क्लियर। जो स्ट्रिंगिंग सेल होता है इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंगिंग सेल के अंदर एक क्या होता है स्टिंगिंग कैप्सूल होता है,
स्टिंगिंग सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, और वो स्टिंगिंग कैप्सूल किससे भरा हुआ होता है? नेमेटोसिस्ट से। नेमेटोसिस्ट कैसा होता है? पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस होता है। तभी ये अपने जो भी इसका प्रे होगा उसको हर्ट कर सकता है, और अपने डिफेंस में भी काम कर सकता है, बिकॉज दे हैव अ स्टिंगिंग सेल्स ऑन देयर टेंटिकल्स। टेंटिकल्स में इनके पास क्या होता है? स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग सेल के अंदर बेटा स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। स्टिंगिंग कैप्सूल किससे फिल होता है? नेमेटोसिस्ट से। और नेमेटोसिस्ट कैसा होता है? पॉइजनस होता है। स्टिंगिंग सेल हैव स्टिंगिंग कैप्सूल, बट स्टिंगिंग कैप्सूल डज नॉट हैव स्टिंगिंग सेल। क्लियर? क्योंकि स्टिंगिंग सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होगा ना, स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर थोड़ी स्टिंगिंग सेल हो सकता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर लिखा है नीडोसाइट्स हैव स्टिंगिंग सेल्स, दे आर प्रेजेंट ऑन दी टेंटिकल्स। स्टिंगिंग सेल्स के पास क्या है? नेमेटोसिस्ट, विच इज योर स्टिंगिंग कैप्सूल, और ये कैसा होता है? आपका पॉइजनस होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? ऑफेंस और डिफेंस में काम करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे प्रेडेटर से अपने लिए, और किसी करेंगे हर्ट करेंगे प्रे को। ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें NCERT में भी लेबलिंग करी हुई है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है? तुम्हारा स्टिंगिंग सेल है। अगर मैं पूछूं आपसे कि स्टिंगिंग कैप्सूल किधर है, तो ये जो कलर वाला पार्ट है ना, ये क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल। यहाँ पर आपका क्या फील है? नेमेटोसिस्ट फील है। और नेमेटोसिस्ट कैसा होता है? पॉइजनस होता है, याद रखना। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कॉरल फॉर्म में मिलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सी वॉकिंग करी होगी, अंडर दी सी गए होंगे, आपने बहुत ही सारे कोरल रीफ्स देखे होंगे, ब्यूटीफुल, जिनकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशंस होता है। बेटा जो कॉरल्स होते हैं ना, वो लिविंग होते हैं, दे आर नॉट नॉन लिविंग, लिविंग्स होते हैं। वो कैसी फॉर्म में मिलते हैं? ये जो सीलिंग क्रेटा होती है, इसकी जो पॉली फॉर्म होती है, वो कॉरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। ये अपनी बॉडी से ना आउटसाइड कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन क्यों होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन में ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। रीज़न इज डेट, क्योंकि वहाँ का जो pH है और जो टेम्परेचर है या सैलिनिटी है, वो ही ऐसी इनके लिए सूटेबल होती है जहाँ पर ये अपने आप को कोरल के फॉर्म में ओरिजिनेट कर सकते हैं। अदर देन इसके अलावा वो अपने आप को इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कोरल में। दे आर पॉलीफॉर्म। कैसी फॉर्म है? ये पॉलीफॉर्म है। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली, कैसे है ये? मराइन है। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट आउटसाइड द बॉडी। तो कैल्शियम कार्बोनेट आउटसाइड द बॉडी सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया इनका? एंड एक्सो स्केलेटन हो गया ना। वी हैव अ टू टाइप ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम, एक फर्स्ट वन इज एक्सो एंड अनदर इज एंडो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक्सो मतलब क्या होता है? जो बॉडी को आउटसाइड से प्रोटेक्शन करे, एंडो मतलब जो बॉडी को इनसाइड प्रोटेक्ट करे। हमारे पास तो दोनों तरह से स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सो भी है हमारे पास, एंडो भी है। एंडो में वी हैव अ प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम। एक्सो में व्हाट वी हैव? हमारे पास स्किन है, हेयर है, नेल्स है हमारे पास। क्लियर? फिर नेक्स्ट हम आते हैं इसकी फिजियोलॉजी पे। वही सीक्वेंस हम देखो फॉलो करते हुआ रहे, जैसे हमने पॉलीफेरा से फॉलो करा, वही हमने अपनी सीलेंट्रेटा से फॉलो करा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इसका? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। वाइट हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो ना, क्योंकि इसके पास कैसा बॉडी प्लान था? ब्लाइंड सेक। एलिमेंट्री कैनल क्या प्रॉपर फॉर्म हुई थी? नहीं, एक ही ओपनिंग है ना, तो कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया? इनकम्प्लीट। कैसा डाइजेशन होता है? इंट्रा सेलुलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। अब तुम्हें पता है, यू आर द माई मोस्ट इंटेलिजेंट बेटा लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लास्ट क्लास में बता दिया था। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? विद इन द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द सेल। रेस्पिरेशन कैसा है? एबसेंट है। सर्कुलेशन भी एबसेंट है, एक्सक्रीशन भी एबसेंट है। किसके थ्रू होगा? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू होगा? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, क्योंकि अभी तो आपके ऑर्गन आने शुरू नहीं हुए ना। फिर आपके पास आता है नर्वस सिस्टम। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ पोलर न्यूरॉन्स डेवलप्ड। क्या लिखा हुआ है? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ पोलर न्यूरॉन्स डेवलप्ड। अ पोलर न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है? तुमने बहुत सारे न्यूरॉन्स पढ़े होंगे ना, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, यूडोपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये आपका कैसे है? अपोलर। अपोलर में क्या होता है? सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। सिर्फ क्या होता है आपके पास? साइटॉन्स होगा। आपके पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स, सॉरी एक्सॉन और डेंड्राइट्स नहीं होंगे, सिर्फ साइटॉन प्रेजेंट होगा। सेल बॉडीज होगी, कंप्लीटली वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए क्या बोला है? अपोलर न्यूरॉन्स। बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। सीडोपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। बट सबसे पहला कौन सा न्यूरॉन देखा गया था? अपोलर न्यूरॉन देखा गया था, जिसमें सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। क्लियर? नर्व सेल ऑर्गेनाइज्ड इन अ नर्वस सेल।
नर्वस नेट, जो आपके नर्व सेल होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक नर्वस के एक जाला सा बना होता है और ऐसे बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से पूरा पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम आना शुरू ही नहीं हुआ था, तो कैसे पड़े हुए हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, एक नर्वस नेट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं। इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना सेक्सुअल और असेक्सुअल का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तुमने देखा था पॉलिप टू मेड्यूसा असेक्सुअली कर रहे थे एंड मेड्यूसा टू पॉलिप सेक्सुअली कर रहे थे, तो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया इनका। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। देखो सेंसरी स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है इन्होंने, सम मेंबर्स हैव टेंटेकल्स यूज टू कैप्चर प्रे। तुमने देखा था ना टेंटेकल्स कैप्चर कर रहा है प्रे को, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, स्ट्रिंगिंग सेल, और स्ट्रिंगिंग सेल के अंदर तुम्हारे क्या होता है, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, वो कैसा होता है आपका, पॉइजनस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटोसिस्ट होता है कुछ में, स्ट्रैटोसिस्ट में क्या थी तुम्हारी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर थी। देखो अगर इस फाइलम को याद करना है ना, इसमें तुम देखो यार मतलब एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, इसमें बहुत बहुत दे रखा है। अगर डाइजेशन भी दे रखा है तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों दे रखा है, अगर फर्टिलाइजेशन भी दे रखा है तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बोल दिया, डेवलपमेंट भी दे रखा है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल दिया, तो यहाँ से याद करना ईजी है ना कि बहुत बहुत वाला कैरेक्टर दे रखा है। क्लियर, चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, विच इज योर एग्जाम्पल्स। अगर एग्जाम्पल्स याद नहीं है तो चैप्टर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फाइजेलिया, फाइजेलिया को आप क्या बोलते हो, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर आपका आता है अडेंशिया, जिसको आप क्या बोलते हो, सी एनिमल। फिर आपका आता है पेनेटुला, जिसको आप क्या बोलते हो, सी पेन, याद रहेगा पेन पेन। जॉर्जोनिया, जिसको आप क्या बोलते हो, सी फेन। फिर आपका आता है मिडेनिया, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रेन कोरल। ओबेलिया विच इज योर सीफर, ऑरेलिया विच इज योर जेली फिश, हाइड्रा विच इज योर फ्रेश वाटर पॉलिप। यहाँ हमने अपना फाइलम क्या खत्म करा, सीलेंट्रेटा। जैसे मैं बोलती हूँ कि हर फाइलम को खत्म करने के बाद एक क्विक रिवाइज करा करो कि हमने पहले क्या पढ़ा, वही हैबिट और हैबिटेट, हैबिट कैसी थी, सॉलिटरी थी, सजाइल थे, और फ्री स्विमर्स भी होते हैं, हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक होता है, मराइन। फिर वही सिक्वेंस फॉलो करो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू आ गया था, जम लेयर, इनके पास ट्रिप्लोप्लास्टिक थी, सिमेट्री कैसी थी, रेडियली सिमेट्रिकल थी, सेगमेंटेशन कैसा था, एबसेंट था, नोटोकॉर्ड कैसा था, एबसेंट था, ये सारे सिक्वेंस फॉलो करते हुए चलो। फिर देखो हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि ये दो फॉर्म्स में मिल सकता है, विच इज योर पॉलिप एंड मेड्यूसा। फिर देखो कि हमने क्या पढ़ा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिप टू मेड्यूसा असेक्सुअली जाता है, मेड्यूसा टू पॉलिप क्या जाता है, सेक्सुअली जाता है। फिर देखो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या पढ़ी थी, हमने इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये कोराल के फॉर्म में भी मिलते हैं। कोराल क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और भागा पीएच और सैलिनिटी ऐसी होती है, ये सिर्फ वहीं पर ही ओरिजिनेट या फॉर्म हो सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखो, हमने इनकी फिजियोलॉजी पढ़ी, फिजियोलॉजी में हमने इनका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम देखा। हमने यहाँ पर एक नई चीज देखी कि हाँ, नर्वस सिस्टम में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अपोलर न्यूरॉन्स देखे थे। अपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ साइटोन प्रेजेंट होता है, विच इज योर सेल बॉडीज, एक्सॉन और डेंड्राइट क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। फिर हम इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन में भी यार दोनों आ रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन भी यार दोनों तरह से हो रही है, और डेवलपमेंट भी दोनों तरह से हो रही है। तो यहाँ से बहुत बहुत करके ईजी रहेगा। फिर अपने एग्जाम्पल्स देखो, हमने एग्जाम्पल्स कौन कौन से पढ़े थे, हमने एग्जाम्पल्स देखो, ये फाइजेलिया, डेंशिया, पेनेटुलिया, जॉर्जोनिया। फिर एग्जाम्पल्स में रट्टे मारो, एक फाइलम को खत्म होने के बाद ना उसे कम से कम 5 मिनट दो, सो डैट तुम एक क्विक रिवाइज कर सको, क्योंकि तभी रिवाइज कर लोगे ना तो ईजी रहेगा ग्रैप करना चीजों को। क्लियर, हमने अभी अपनी फाइलम कम्प्लीट करी है सीलेंट्रेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी टीनोफोरा, एंड फिर से हम ये देखेंगे कि टीनोफोरा को हम टीनोफोरा क्यों बोलते हैं। देखो बेटा, ये ना एक ग्रीक वर्ड होता है टीन, टीन का मतलब होता है जिसके पास कॉम्ब होते हैं, तो और फोरा मतलब क्या होते हैं, बियरर, जो कॉम्ब बियरर्स होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला डायग्राम, तो ये आप देख रहे हो, ये जो ये प्लेट्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इनकी क्या है, कॉम प्लेट्स है, ये कॉम प्लेट्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीनोफोरा, बिकॉज ये कैसे है, कॉम प्लेट्स बियरर्स है, और इनकी जो बॉडीज होती है ना वो बड़ी ही ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, इसलिए ना इन्हें सी गूसबेरी भी बोलते हैं। गूसबेरी मतलब क्या होता है, आंवला। आंवला देखा है ना, आंवला एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आंवला खाने से हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मतलब इनकी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये कॉम जेलीज भी होती हैं, और इनकी स्ट्रक्चर ना वॉलनट से भी रिजेंबल्स करती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स हैं इनके। टीनोफोरा समझ में आया, टीनोफोरा क्यों बोलते हैं, टीन मतलब कॉम हो गई तुम्हारी, फोरा मतलब जो बियरर्स होते हैं, और इनके पास क्या है, कॉम्प्लेट्स है, और कॉम्प्लेट्स कितनी होती है नंबर में, 8 होती हैं। क्लियर, दे आर कॉम्प्लेट्स, ये कॉम्प्लेट्स बियरर्स कॉम्प्लेट्स होती है,
इन्हें आप क्या बोलते हो, कॉम जेलीज भी बोलती हूँ। समझ आया कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी बड़ी ही ट्रांसपेरेंट जैसी होती है। जैसे आंवला देखा है ना, आंवला के ऊपर ऐसी लाइनिंग्स भी तुम्हें दिखती है, एकदम क्लियरली विजिबल होता है। ऐसे इनकी बॉडी बड़ी ही ट्रांसपेरेंट जैसी होती है। और इन्हें सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस की। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं। देख रही हो प्यारी प्यारी इमेज, लाइट दिख रही है तुम्हें, इसमें ये लाइट आती हुई। तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? बायोलुमिनेसेंस की, जिसमें ये क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। फिर से हम क्या देखेंगे, इनकी वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें अपना वही सिक्वेंस फॉलो करना है, हमें अपने सिक्वेंस को नहीं छोड़ना। हैबिट और हैबिटेट बोलेंगे देखेंगे। टीनोफोरा कैसे होते हैं? प्लैंकटॉनिक होते हैं। हैबिट कैसी होती है? फ्लोटिंग करते हैं इन द सरफेस ऑफ द वाटर। प्लैंकटॉनिक कौन, प्लैंकटॉनिक किसको बोलते हैं? जो वाटर का जो सरफेस होता है उस पर जो फ्लोट करते हैं। और ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास ऐसी कौन सी तीन फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक आपकी हो गई टीनोफोरा, एक आपका हो गया इकाइनोडर्मेटा और एक आपका हो गया हेमिकोरेटा। दीज थ्री फाइलम्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। और आपने पढ़ा था सीलेंट्रेटा का कौन सा फॉर्म एक्सक्लूसिवली मरीन होता है? पॉलिप। पॉलिप में कौन सा वाला? कॉरल्स का जो फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, हमारी तीन फाइलम कौन सी एक्सक्लूसिवली मरीन है? एक अपने पास कौन सी हो गई? टीनोफोरा हो गई। एक हमारे पास इकाइनोडर्मेटा हो गई और तीसरी कौन सी हो गई? हेमिकोरेटा। ये तीन फाइलम्स हमारी एक्सक्लूसिवली मरीन है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जर्म लेयर कैसा हुआ? डिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, असिलोमेट, बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक तुम्हें पता है कौन सा होता है? जिनके पास एक ही ओपनिंग होती है। सिमेट्री कैसी हो गई? रेडियली सिमेट्रिकल होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इनके पास एब्सेंट। अब हम इनकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। मैंने अभी तुम्हें बताया क्या करते हैं, ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो क्या करते हैं, अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो बायोलुमिनेसेंस, यहाँ पर लाइट चमकती हुई नजर आ रही है तुम्हें। जुगनू भी होता है ना, जुगनू अपनी टेल में से क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। ऐसे ही अपनी लाइट को एमिट करते हैं। और इनके पास क्या होते हैं? एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स होती हैं। देखो ये जो तुम्हें दिख रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल कितनी होती है? 18 नंबर्स। क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स अगर टीनोफोरा में है तो वो कितनी होती है? 18 नंबर्स होती है। इनके पास ना देखो एक्सटर्नल सिलिएटेड वो भी होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। बट जब भी ये टेंटिकल्स होंगे, ये हमेशा कैसे होंगे? पेयर्ड में होंगे, हमेशा टू इन नंबर होंगे। और ये कैसे होते हैं? सिलिएटेड। हमने फाइलम पॉलीफाइलम में क्या पढ़ा था कि उनके सेल कैसे थे? फ्रेजिलेटेड थे। बट यहाँ पर क्या है? सिलिएटेड है। सिलिएटेड क्यों है? जिनके पास सीलिया होते हैं, तुम्हें पता है ना सीलिया क्या कराता है? मूवमेंट कराता है। तो ये सीलिया होने का रीजन क्या है? ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करेगा। क्लियर। डायफ्राम, हम इनकी फिजियोलॉजी देखेंगे। तुम्हें देखो यार, इनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। एक तो क्या ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं? इनके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं विच इज 18 नंबर्स। इनके पास सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स होती हैं। टेंटिकल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और वो किस में हेल्प कराएंगे? लोकोमोशन में हेल्प कराएंगे। दैट्स व्हाई दे हैव अ सीलिया। फिर हम इनकी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन देखेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बोथ हो सकता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है। इनके पास रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एब्सेंट है, उसमें भी एब्सेंट था। किसके थ्रू होता? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, या आप क्या बोल सकते हो? सिंपल डिफ्यूजन भी बोल सकते हो। क्लियर, जनरल बॉडी सरफेस बोल दो या सिंपल डिफ्यूजन बोल दो। नर्वस सिस्टम कैसा है इसके पास? डिफ्यूज टाइप है। रिप्रोडक्शन कैसा है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को दूसरा क्या बोलते हैं? डायोशियस भी बोलते हैं। तुम्हें यूनिसेक्सुअल याद है ना, यूनिसेक्सुअल को मोनोशियस बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? डायोशियस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन कैसी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो याद करना और इजी हो गया। सीलेंट्रेटा में तुमने सारे कैरेक्टर देखे थे, बोथ बोथ आ रहे थे। यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, बाइसेक्सुअल है और कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फर्टिलाइजेशन सिर्फ कैसी है? एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है। और सेंसरी स्ट्रक्चर्स में दे मे हैव टेंटिकल्स, बोला है कि मे हैव, जरूरी नहीं है कि इस फाइलम में जितने भी हों उस सबके पास टेंटिकल्स हो, कुछ के पास हो भी सकता है। बट जब भी किसी के पास टेंटिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? नंबर्स में, टू इन नंबर्स होंगे, विच इज पेयर्ड, हमेशा पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे। स्टैटोसिस्ट ऑल्सो प्रेजेंट हो सकती है। स्टैटोसिस्ट तुम्हें पता है क्या होती है? तुम्हारी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके जो दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो क्या है? एक है आपका प्लूरोब्रैकिया और एक है आपका टीनोप्लाना। बहुत ही छोटू सा फाइलम था। प्लूरोब्रैकिया का मतलब क्या होता है? सी गूसबेरी। सी गूसबेरी मतलब इसे समुद्र का आंवला भी बोलते हैं। गूसबेरी मतलब होता है आंवला। क्लियर, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है? ट्रांसपेरेंट जैसी है। और आंवला भी अपना तुमने देखा ना, ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट है इसका टीनोप्लाना। हमारा ये फाइलम यहीं पर ही फिनिश होता है। हमने तीन फाइलम अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमने करा है पॉलीफेरा, फिर हमने करा है सीलेंट्रेटा, एंड देन हमने करा अभी अभी ताज़ा टीनोफोरा। टीनोफोरा बहुत ही स्मॉल फाइलम है। इसमें आप देखो क्विक रिवीजन करते हुए चलना, वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना।
इसमें तुम इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना, एक तो ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, इसके पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कितनी होते हैं, 18 नंबर्स होते हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे तो कैसे होंगे, पेयर्ड में होंगे। कॉम्प्लेक्स ऐसी होती है स्वीटेड होती है, क्यों होती है, ताकि वो इसके लोकोमोशन में हेल्प करा सके। फिर आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, विच इज योर फ्लोरोब्रैकिया और टीनोब्रैकिया। ठीक है, फ्लोरोब्रैकिया का दूसरा नेम क्या होता है, सी गूसबेरी भी बोलते हैं। क्लियर, ये आपको ऐसे ऐसे करके ना सारी फाइलम्स हमेशा ऐसे याद करते हुए चल रहे हैं, सो डेट एकदम दिमाग में बैठ जाए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन करना ना एक रसम होनी चाहिए हमारी हर फाइलम के बाद, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमें लाइक कितना समझ में आया है और हमने कितना ग्रैप करा है चीज़ों को। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चन आंसर। देखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जल सील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। तुम्हें पता था, मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, और देखो कब आया है, तुम्हारे नीट और 2017 फ्री के नंबर, यार कितना ईजी क्वेश्चन आया है। ऑस्टिया बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑस्कुला ना, क्वानोसाइट्स यस, क्वानोसाइट सेल कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे, और क्वानोडर्म के अंदर तुम्हारी क्या थी, स्पॉन्जोसील कैविटी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना, स्पॉन्जोसील कैविटी इज लाइंड बाय क्वानोडर्म एंड क्वानोडर्म हैव अ क्वानोसाइट सेल्स विच इज योर फ्लैजिलेटेड, तो योर आंसर विल बी क्वानोसाइट्स। यार मेसेनकाइमल सेल्स तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, कैसे होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट दे रखा है, विच एनिमल हैज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। अभी हम रिसेंटली क्या करके आए हैं, टीनो सिलेंड्रेटा करके आए हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। फाइजेलिया ना, अडेंशिया ऑब्वियसली होगा, हाइड्रा तो ऑप्शन विल बी योर बी एंड सी। क्लियर, देखो इस ये क्विक क्विक है, अगर तुम रिवाइज करते रहोगे ना, क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है, इतना कोई वो नहीं है बहुत बड़ा ड्रामा कि तुम नहीं हो रहा होता है, बट तुम लोग ना सही से पढ़ते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि कैसे वे ऑफ स्टडी को करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म डिस्क्राइब द टर्म लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। ऑब्वियसली ओबिलिया क्या शो कर रहा था, तुम्हारा मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म हो रहा था। नहीं, मेटामेरिज्म क्या होता है, जिसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन देखते हैं और जिसमें हम सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन देखते हैं, वो तो ओबिलिया से किसी भी बात से वो नहीं कर रहा है रेफर, तो मेटामेरिज्म तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मेटाजेनेसिस अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन शो कर रहा था ना हमारा ओबिलिया। मेटामॉर्फोसिस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे हम मैंने तुम्हें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताती हूँ आ रही हूँ ना, तो मेटामॉर्फोसिस वो होता है जो अपनी लार्वा स्टेजेस को क्रॉस करते करते एडल्ट स्टेज में जाता है, उस टर्म को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटाजेनेसिस। क्लियर, फिर नन ऑफ जीन्स दे रखा है, नन ऑफ जीन्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब हमारा मेटाजेनेसिस ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू। देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन कब आया है, VAIPMT 2015 में। फर्स्ट दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी। हाँ, सेगमेंट आ गया, नहीं सेगमेंट किस में होता है यार मेटाबॉलिज्म वाला। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स हो सकता है, बट आगे चल के देखते हैं कि क्या और हो सकता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो यही होगा विदाउट एनी डाउट, क्योंकि लास्ट क्या दे रखा है, अक्रेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नहीं, इन्होंने क्या पूछा है कि मेटाजेनेसिस क्या होता है, और मेटाजेनेसिस क्या होता है, जो पॉलिप टू मेड्यूसा असेक्सुअली फॉर्म करे, और मेड्यूसा टू पॉलिप कैसा जाए, सेक्सुअली जाए, और इन्होंने लिखा हुआ है। और मेटाजेनेसिस का दूसरा नेम क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब तुम होप कि तुम लोग भी अपनी DPP सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब आवर चैनल।